हेलो एवरीवन वेलकम टू ब्लू बेल ऑनलाइन स्टडी ये हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद आंसर का लेक्चर नंबर एट है क्वेश्चन नंबर एटी वन होटल अशोका विच बिकम फ्लैगशिप होटल ऑफ आई टी डी सी कम इन टू बी इन इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि होटल अशोका को कब आई टी डी सी में आई टी डी सी का कब प्रमुख होटल बनाया गया इसका आंसर है सी उन्नीस सौ अठासठ उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एटी टू नेम द अंडरलाइन क्लॉथ यूज ऑन अ रेस्टोरेंट टेबल इनमें से हमें बताना है कि रेस्टोरेंट के टेबल में जो क्लॉथ यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं इसका आंसर है डी बेस क्लॉथ बेस क्लॉथ एक कॉटन का कपड़ा होता है जो रेस्टोरेंट के टेबल में लगा होता है जिसे हम टेबल क्लॉथ कहते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एन इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी होटल चेन इसमें यह पूछा गया है कि इन चारों में से अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंचाइजी होटल का नाम हमें बताना है इसका आंसर है सी मेरियट उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। फोर द प्लेस इन अ होटल वेयर एल्कोहलिक बेवरेजेस एंड स्नैक्स आर सर्व इसमें यह पूछा गया है कि हमें ये बताना है कि इन ऑप्शन में से कहाँ पे एल्कोहल बेवरेजेस और स्नैक्स सर्व किया जाता है इसका आंसर है सी बार इसके अलावा बैंकुट एक रेस्टोरेंट होता है जहाँ पे बहुत बड़ा स्पेस होता है और बैंकुट में मोस्टली पार्टीज शादी ये सभी फंक्शंस अटेंड किए जाते हैं और लॉबी एरिया फ्रंट ऑफिस में आता है लॉबी एरिया में गेस्ट चेक इन चेकआउट और अगर किसी से मिलना हो तो उस पर्पज़ से लॉबी में वेट करते हैं उसके बाद है नेक्स्ट कॉफ़ी शॉप एक तरह का रेस्टोरेंट है यहाँ पे एल्कोहल सर्व नहीं किया जाता है उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एटी फाइव एक्सप्लेन ऑफ द फ्लोटिंग होटल इज इसका आंसर है हाउस बोट इसके अलावा रिजॉर्ट मोटेल इससे हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं मुझे लगता है ये होटल मोटेल रिजॉर्ट ये तो आपके माइंड में छप चुके होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है एटी सिक्स द टर्म्स रेस्टोरेंट ऑर्गेनाइज इन इसमें यह पूछा गया है कि रेस्टोरेंट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है इसका आंसर है सी जर्मनी से उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 87. सेवन हु इज द हेड ऑफ द हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट इसका आंसर है एग्जीक्यूटिव हाउस कीपर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 88. एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग होटल्स फेस्ड टेररिस्ट अटैक इनमें से हमें बताना है कि कौन से होटल ने टेररिस्ट अटैक को फेस किया है इसका आंसर है सी ताज मुंबई नेक्स्ट क्वेश्चन है 89. नाइन द मेन सोर्स ऑफ ट्रैवल एजेंसी ट्रैवल एजेंसी का मेन सोर्स क्या है ओब्वियसली ट्रैवल एजेंसी का मेन सोर्स है कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन के थ्रू ही ट्रैवल एजेंसी अपने गेस्ट को कन्वेंस करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आईटा स्टैंड फॉर आईटा का फुल फॉर्म हमें बताना है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन क्वेश्चन नंबर 91 है यूनिवर्सल फेडरेशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन इसका आंसर है उफ्टा नेक्स्ट है 92 अब हमें इसमें उफ्टा का फुल फॉर्म बताना है उफ्टा का फुल फॉर्म है यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन फाउंड इन इसका आंसर है रोम नेक्स्ट क्वेश्चन है उफ्ता वाज फाउंडेड इन विच ईयर इसका आंसर है 1966 तो ये उफ्टा की सारी डिटेल्स थी नेक्स्ट क्वेश्चन है टी ए ए आई टाई स्टैंड फॉर इसका आंसर है ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया नेक्स्ट है टाई वॉज फॉर्म इन विच ईयर इसका आंसर है 1951. नेक्स्ट क्वेश्चन है 97. सेवन अ गेस्ट हु कम्स टू होटल विदाउट रिजर्वेशन फॉर अ गेस्ट रूम इज कॉल्ड एज तो ऐसे गेस्ट को क्या बोला जाता है जो होटल में बिना रिजर्वेशन के चेक इन कर रहा हो उसे कहा जाता है वॉक इन नेक्स्ट है नाइन्टी एट क्वेश्चन आई एच सी एल मीन्स आई एच सी एल का फुल फॉर्म बताना है द इंडिया होटल कंपनी लिमिटेड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्टी नाइन एच सी आई इसका फुल फॉर्म है होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन है होटल विद मोर देन थाउजेंड रूम्स आर नॉन एस ऐसे होटल्स जिनमें एक हज़ार रूम से ज़्यादा होते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है इसका आंसर है मेगा होटल्स इसके अलावा हम लार्ज होटल की अगर बात करें तो इसमें लार्ज होटल में 101 से लेकर 300 रूम्स होते हैं उन्हें लार्ज होटल बोला जाता है और स्मॉल होटल्स की बात करें तो इसमें सोलह से लेकर पचास रूम्स अवेलेबल होते हैं इन्हें स्मॉल होटल्स बोला जाता है और अगर हम मीडियम होटल की बात करें तो इसमें हंड्रेड प्लस थ्री हंड्रेड रूम्स होते हैं तो लार्ज और मीडियम में थोड़ा ध्यान रखना बाकी मेगा होटल में तो अभी क्वेश्चन में ही क्लियर हो गया था मेगा होटल में थाउजेंड रूम्स होते हैं तो जरूरी नहीं है कि मेगा होटल के बारे में ही पूछे मे भी क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि लार्ज होटल में कितने रूम्स होते हैं तो 101 से 300 स्मॉल होटल में होता है 16 से 50 रूम तक और मीडियम होटल 100 से 300 सौ रूम्स तक उसके बाद नेक्स्ट है 101 क्वेश्चन अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट ईट टूगेदर एट वन टाइम एंड इन वन प्लेस इज कॉल्ड अप इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ खाना खा सकते हैं एक टाइम पे एक जगह पर तो इसका आंसर है A, banquet. क्योंकि मैंने पीछे भी क्लियर किया था कि बैंकुट में स्पेस बहुत ज्यादा होता है तो बैंकुएट हॉल बहुत बड़ा एरिया होने की वजह से यहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि बैंकुएट में शादी पार्टी गेट टुगेदर हो ये सभी ऑर्गेनाइज किया जाता है बैंकुट में उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वन जीरो टू जनरली चार्ज इन अ होटल किचन होटल किचन का इंचार्ज कौन होता है इसका आंसर है एग्जीक्यूटिव शेफ इसके अलावा अगर होटल का हर चेक करना हो तो वो एफ के थ्योरी सेक्शन में ये सारी डिटेल्स मिल जाएगी उसके बाद नेक्स्ट है 103. जीरो थ्री द हेडक्वार्टर ऑफ क्लियर ट्रिप इज इन क्लियर ट्रिप का हेडक्वार्टर है मुंबई में नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 जीरो फोर जी डी एस मीन्स जी डी एस का फुल फॉर्म है ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 जीरो फाइव विच इज़ द फर्स्ट फाइव स्टार डिलक्स होटल ऑफ इंडिया फर्स्ट फाइव स्टार डिलक्स होटल कौन सा है इंडिया का इसका आंसर है बी अशोका होटल डेली उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तो एच ए सी सी पी को हमें होटल्स के टर्म्स में इसका फुल फॉर्म बताना है इसका आंसर है हजार एनालिसिस एंड एन क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट नेक्स्ट है 107 जीरो सेवन एफ एस एस ए आई स्टैंड फॉर इसका आंसर है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया नेक्स्ट है 108 जीरो एट ए आर आर स्टैंड फॉर इसका आंसर है एवरेज रूम रेट नेक्स्ट है A, D, stands for, इसका इसका आंसर आंसर है 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 बाकी इन तीनों को भी आप देख सकते हो देखो कितने सिमिलर ऑप्शन दिए गए हैं स्पेल पे भी हमें फोकस करना है आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जरूर हेल्पफुल साबित होगा इसके बाद हम जितने भी होटल मैनेजमेंट के फुल फॉर्म होते हैं उससे भी रिलेटेड हम कुछ वीडियोस बनाएंगे क्योंकि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में किसी भी डिपार्टमेंट का आप एग्जाम देते हो तो पांच और छह नंबर के फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं तो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के फुल फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज फ्रेंड वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत